अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ब्रीडिंग सेटअप का जो है आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये फर्स्ट वाला पेयर है हमारे पास, जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने। तो इसका पार्ट टू भी आएगा, थोड़े से बच्चे बड़े हो गए इंशाल्लाह, तो पार्ट वन में थोड़े से पेयर आपको बताए गए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला टम्बलर्स का यहाँ पे एक पेयर आया हुआ है, ब्लैक आइज़ और वाइट आइज़ में, ठीक है। और ये भाई सेकेंड वाला यहाँ पे, ये भी भाई टम्बलर्स में ही है पेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत भाई कबूतर, सारे बड़े ब्रीडिंग पेयर्स हैं। और इनकी भाई ये सर्दी की ब्रीड चल रही है, ये फर्स्ट क्लच इनकी चल रही है यहाँ पे, शायद सेकेंड, किसी की सेकेंड है भाई, किसी की फर्स्ट है यहाँ पे। तो बहुत खूबसूरत आपको देखने के लिए कबूतर यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं अच्छे कबूतर, बड़े ब्रीडिंग कबूतर जो भी आपको वीडियोस में देखने के लिए मिलते हैं कबूतर। कई बार उसमें से कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो हम खुद अपने घर पे रख लेते हैं बाद में वीडियो डालने के बाद। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे कबूतर हैं, इनसे फिर आगे ब्रीड ली जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कलदूमों का पेड़ यहाँ पर है, ठीक है, काली दूम वाले जो कबूतर होते हैं। और इनमें भाई बहुत ज़्यादा उड़ान है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा उड़ान है इनमें। और ये वीडियो में शायद सब में ज़्यादा जो कबूतर उड़ते हैं इस वाले पेड़ के भाई बच्चे उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भाई इसके पट्टों में उड़ान है। ये भी आप देख सकते हैं टम्बलर्स में यहाँ पे एक और पेयर आया हुआ है। तो ज़्यादातर आपको टम्बलर्स का ही कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यही कबूतर भाई थोड़ा सा शौक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रीड्स का। तो इसी की वजह से आपको टम्बलर कबूतरों के ज़्यादा मेरे पास यहाँ पर जो सेटअप मैं कवर कर रहा हूँ इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे इंशाल्लाह। और पार्ट टू में आपको कोशिश करेंगे कि और भी दूसरी वाली ब्रीड्स बताएँ जो हमारे पास अवेलेबल है। ये भाई लाल दुम में कबूतर, लाल दुम भी आप कई बार देख चुके होंगे वीडियोज़ में। तो ये भाई लाल दुम वाले कबूतर हैं, लाल दुमे कबूतर, और इनके बच्चे भी देख सकते हैं आप इसी तरीके से सेम लाल दुम में आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत कबूतर। और ये लाल दुम वाले जो कबूतर है भाई, उसी काली दुम वाले जो आपने पहले जोड़ा देखा था वही ब्लड लाइन से है, लेकिन इनकी दुम लाल है और इनके बच्चों की भी लाल आती है। तो इनमें भी भाई अच्छी खासी उड़ान है। फिर जैसे देख सकते हैं पिछले वाले कबूतर, फिर से आपको थोड़ा सा बताते हुए, तो इसी तरीके से आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर कोशिश करूंगा कि आपको और जो बाकी वाला सेटअप है उसका मैं वीडियो बताऊं। कुछ कबूतर बाहर भी घूम रहे हैं, तो थोड़े से कबूतर हैं, इंशाल्लाह आपको कुछ और बताते हैं नेक्स्ट वीक।